नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 1 जून 2020 और यहां पर हम लोग निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है, और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ओरो फार्मा से। ओरो फार्मा देखिए बिल्कुल आज ऊपर की तरफ नहीं जा पाया, मार्केट पॉजिटिव था फिर भी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई ओरो फार्मा में। और एक नीचे की साइड में जो लेवल दिखाया इसने, कल भी अगर ओरो फार्मा एक नीचे का लेवल अगर दिखा दे, नीचे अगर 720 को अगर ओरो फार्मा को कल ब्रेक करता ओरो फार्मा अपने लेवल 720 को, तो ये नीचे के लेवल एक बार 705 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है जहां से इसने बाउंस बैक किया था, और या इम्पोर्टेंट सपोर्ट 700 का वहां तक भी आने की कोशिश कर सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 748 रुपए को या 750 को ब्रेक करना पड़ेगा ओरो फार्मा को, तब फिर 775 का लेवल आ सकता है। बायोकॉन के साथ मैंने बायोकॉन को पोजिशनल कॉल दिया हुआ था दोस्तों, और बायोकॉन के जो पोजिशनल कॉल थे वो 365 रुपए के ऊपर था बायोकॉन में, और आप इसे और टारगेट मेरा इसमें था 400 रुपए का, 420 का। इसने जो हाई लगाया है वो देखिए, हाई लगा दिया 390, यानी कि जबरदस्त बायोकॉन ने आज परफॉर्मेंस दिया। मैंने 365 के ऊपर पोजिशन दिया था, अगर आप मेरे स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन को फॉलो करते हैं तो इसमें बायोकॉन आपको कल संडे को मिल गया था। अब हम नया पोजीशन बनाएंगे 400 के ऊपर जब निकलेगा ना, तो 420 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाएंगे बायोकॉन में। कैडिला हेल्थ केयर, कैडिला अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गया है। अब कैडिला में भी एक ब्रेकआउट अगर मिले तो मजा आ जाए। कैडिला ऊपर की तरफ में 355-357 या 360, ये रेंज है इसका रेजिस्टेंस लेवल। ये सब लेवल जब तक ब्रेक करेगा तो 370 का लेवल आएगा। हो सकता है यहाँ से वो गिर जाए वापस, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कैडिला नीचे की साइड भी आ सकता है और वापस अपने लेवल 320 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो इसको नजर रखिए, एक अच्छे काम ऊपर 365 को ब्रेक, 360 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा। सिप्ला में भी प्रॉफिट बुकिंग आई जैसे कि कैडिला में आई थी। अब सिप्ला में हम लोग ऊपर पोजीशन बनाएंगे कब, जब ये 650 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं कर दे तब तक हम कोई नया पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। 650 के ऊपर जब क्लोज करेगा तब हम एक नया पोजीशन क्रिएट करेंगे 675 के टारगेट के लिए और 700 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब देखिए, जबरदस्त मूवमेंट आया डिवीज लैब में, अपने सारे टारगेट को इसने डन कर दिया डिवीज लैब ने। अब डिवीज लैब कल ऊपर की साइड में वापस से 2500 को, राउंड फिगर के लेवल बताऊं, 2500 को अगर ब्रेक कर दे ऊपर की साइड में जो कि अगला रेजिस्टेंस है, तो फिर टारगेट 2600 का बन जाएगा। हो सकता है कल एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो उस कंडीशन में अगर ये 2460 को नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो 2420 तक आने की कोशिश करेगा डिवीज लेवल, और अगर 2500 को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ 3000 की तरफ 2600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। डॉक्टर रेड्डी प्रॉफिट बुकिंग आ गया, डिवीज लेब और डॉक्टर रेड्डी दोनों अपोजिट है ना, वो ऊपर की तरफ जा रहा था ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी देखिए अगर कर डिवीज लेब नीचे की साइड में 3940 को ब्रेक करता है तो एक बार 3800 के लेवल को टेस्ट करने वो वापस आ सकता है डॉक्टर रेड्डी। ऊपर जाने के लिए कम से कम 4100 को लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा तो फिर 4200 का एक टारगेट आएगा। ग्लेनमार्क फार्मा, तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा में आप मुझे बताइएगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने ग्लेनमार्क फार्मा में क्या लेवल बताया था। मैंने ग्लेनमार्क फार्मा में बताया था 365 के ऊपर या 360 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा। देखिए अब ये पोजिशनली कॉल में कन्वर्ट हो गया ग्लेनमार्क फार्मा। आप देखेंगे फार्मा स्टॉक्स में यही एक स्टॉक था लगभग जो अपसाइड में जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा, पीएल, जो मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए थे वही सब स्टॉक अपर रेंज में जाने की कोशिश किया। आपने देखिए अब ये पोजिशनली कॉल में कन्वर्ट हो गया, 380 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है, लेकिन अगर ये 360 के नीचे आ जाता है तो फिर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ये 350 का भी टारगेट दे सकता है ग्लेनमार्क फार्मा नीचे की साइड में। लुपिन कंटिन्यू डाउनफॉल में चलता चला जा रहा है, अभी नीचे की तरफ में एक 835 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर लुपिन उसको ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में तो ये फिर 800 के लेवल को दिखा सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 880 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जाके 920 का लेवल आएगा। PEL शानदार, अब इसके बारे में क्या बोलूं, 1100 के ऊपर मैंने लेवल दिया था, 1000 के ऊपर मैंने पोजिशनली कॉल भी दिया हुआ था, बार बार रिपीट करके बताता था हर फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस में, मैं इसके बारे में बोलता था 1000 के ऊपर और पोजिशनल वीडियो भी बना के दिया हुआ था मैंने इस पर, और टारगेट मैंने दिया था, पहला टारगेट 1100 का था,
दूसरा टारगेट था 1160 का, इसने हाई लगा दिया कितने तक का, 50 51 तक का। लगभग लगभग दोनों टारगेट तो आज ही कंप्लीट हो गया पीएल में। अब नया पोजीशन दोस्तों हम लोग इसमें कब बनाएंगे, जब सारे टारगेट डन हो गए, तो अब हम नया पोजीशन इसके ऊपर बनाएंगे 1150 रुपए के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। माने 1150 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो फिर टारगेट हमारा 1200 और 1250 का पीएल में मिल सकता है। सन फार्मा, देखिए सन फार्मा को मैंने इंट्राडे में भी सेलेक्ट करके दिया हुआ है। हालांकि ऊपर की साइड में अगर सन फार्मा 485 को ब्रेक करेगा तो एक बार 500 के टारगेट दे सकता है सन फार्मा। चलिए दोस्तों एक और स्टॉक है, दो स्टॉक है एक्चुअली, स्ट्राइड फार्मा और टोरेंट फार्मा। स्ट्राइड फार्मा ये लेवल याद रखिए बहुत फोड़ के पैसा देगा, जैसे ही 400 को नीचे ब्रेक करेगा वॉल्यूम के साथ जबरदस्त टारगेट देगा 375 का नीचे की साइड में। ऊपर अगर ब्रेक करता है 410 को तो फिर ये 425 तक जाने की कोशिश करेगा स्ट्राइड फार्मा। इसके साथ ही है टोरेंट फार्मा। चलिए टोरेंट फार्मा का भी चार्ट लगाता हूँ। और टोरेंट फार्मा देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। नीचे अगर 2290 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो 2250 तक आने की कोशिश करेगा टोरेंट फार्मा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।